सबके मार के इस सबके पीठ इस सबके फुला देंगे इस सबके। अब निकले पंजाबा मारेंगे ना तो समूचे एकदम पंजा छाप उतर जाएगा मुंह में, पर मारे हाथ मुंह में हम चौपट कर देंगे, हम चौड़ा कर देंगे मुंह में। तो गेहूं के साथ जौ के साथ वही गेहूं जौ के साथ घून भी पिसा जाता है वही चीज। जब चंदन चंचल की माँ बहन की प्रतिष्ठा को हनन कर रहा है, बुलेट राजा की माँ बहन की प्रतिष्ठा को हनन कर रहा है, है? चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, दिनेश लाल हो, मनोज तिवारी, इन पत्रकारों को जो कलाकार दे देगा इंटरव्यू, स्पष्ट मैं बोल दे रहा हूं। आप बताइए चौकस भारत है विवेक जी का, क्या बोलते हैं नीजू जी का जो है भोजपुरी गॉसिप है, गॉसिप है, अंकित जी का मनचाहा न्यूज है, क्या ये लोग पत्रकार नहीं है? ये सब लोग हत्यारा लोग को हम का कहें, हम चुमा लें? अब गाली कम होगा और ताली ज़्यादा बजेगा, समझ रहे ना कहाँ। हाँ ये सबके बाप के औकात है जो आकर के हमरा से क्वेश्चन पूछे। नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव जी के पास, जो कि आज मैं किसी प्रमोशन डिमोशन किसी मुद्दे पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं उनके लिए बात करने वाला हूँ जो कि अश्लीलता का ठेकेदार बन बैठे हैं। तो सर, आपको सबसे पहले तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सब मीडिया थोड़े है, ये सब मीडिया थोड़े है, ये सब मीडिया के नाम पे ये सब एक प्रोपगेंडा रचा है कि कैसे हमको लोगों को टॉर्चर करना है, जो अच्छे अच्छे जो कार्य कर रहे हैं लोग, जो संघर्ष करके रेंग करके चल करके पैदल उस सफलता की चोटी पे पहुंचना चाहते हैं, उनको कैसे बीच में ही उनका टांग काट दें। ये जो बोल रहे हैं जो मीडिया की सीडिया सबके बाप के औकात है जो आकर के हमरा से क्वेश्चन पूछे, अब एक माए बाप वही सिखेबे किया होगा तो उसको वही ना शोभनीय कहेगा, इसके मैंने परवरिशे में वो हुआ होगा, इसके परवरिश में ही वो हुआ होगा, ओकरा गर्दन पकड़ के रगड़ेंगे। लेकिन तमाम कलाकार जो मेरे भाई हैं, जो मेरे साथी कलाकार हैं, चाहे वो मेल हैं वो फीमेल हैं, गायक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, आर्टिस्ट हैं जो कि परफॉर्मर हैं, कोरियोग्राफर हैं, डायरेक्टर हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं, कोई भी हैं, मैं तमाम उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग का मन बढ़ा कैसे। अरे तुम एक मीडिया हो तो मीडिया की एक गरिमा होती है, उसमें ना रहोगे जी। और ऐसे भी संतोष रेणु यादव जी को काफी लोग गालीबाज, गाली देने वाले, फलान ढकान बहुत सारा कहते रहते हैं, लेकिन मुझे ये आज स्पष्ट हो गया कि संतोष रेणु यादव जी की गाली देने का मुख्य कारण क्या होता है और क्यों गाली देते हैं, क्यों गाली देते हैं आप ऐसे लोगों को? अब ये सब लोग हत्यारा लोग को हम का कहें, हम चुमा लें इन लोग को, चुमा लें कि इन लोग के डंडा गाली है। अब गाली कम होगा और ताली ज़्यादा बजेगा, समझ रहे ना कहाँ। हाँ एक के हाथ से ताली बजावेंगे और ज़्यादा बजेगा, इस सबके मार के इस सबके पीठ इस सबके फुला देंगे इस सबके। अब लीगल भी होगा और फिजिकल भी होगा, वो सब डिजिटल है तो हम लोग वह फिजिकल के मास्टर हैं, पूरा कबड्डी खेला खेली होगा। कैसा है पी के आर एन जी के पास, तो आपने मिलने का प्रयास किया, मिला भी, तो कैसा उनका तबीयत है? उनकी तबीयत ये तो थैंक्स बोलिए, जो डॉक्टर हैं मैक्सो हॉस्पिटल मीठापुर बस स्टैंड पटना में स्थित हॉस्पिटल है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर विक्रम जी, डॉक्टर पवन जी, या उनके जितने भी उस पैनल में डॉक्टर हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उन लोगों को मैं प्रणाम कर रहा हूँ नतमस्तक होकर के कि आप जैसे डॉक्टर होने चाहिए, हॉस्पिटल चले तो आप जैसे डॉक्टर्स का हॉस्पिटल चले। हम एक पैसा भी अभी तक उनको नहीं दे पाए हैं, मतलब हम मतलब पी के आर्यन जी के परिवार के तरफ से लोग एक पैसा भी नहीं दिए हैं, और इलाज लगातार जारी है, लगातार जारी है, दूसरे भी हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुला रहे हैं ज़रूरत पड़ने पे, और वो अपने पैकेट से पैसा दे रहे हैं। सर आप पैसे देते रहेंगे मैं मानता हूँ, बहुत आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं जान रहा हूँ पैसा आप दे रहे हैं, लेकिन आपके पैसे देने से उसका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन के लिए हमने एक प्लान मैंने तैयार किया है, इसमें कुछ मेरे भाई हैं उनसे भी मैंने सलाह लिया है,
कि इन पत्रकारों को, ये जितने भी पत्रकार जो लिस्टेड हो रहे हैं, लिस्ट बना है इन पत्रकारों का, ये लोग एक पोस्ट किया था कि खिचड़ी बन रही है। जब हम जब उसको जब दबड़ियाए थे तो बोला था कि खिचड़ी बन रही है और कुछ फोटो भेजा था, तो हर खीर बना दे, खीरा कीमा बुझले, तो खिचड़ी बनाते रह लेनु, आ देख तू खिचड़ी बनाता है, हम दूध पीते हैं, समझे ना। अब खिचड़ी ना ओकरा में से नीमक कट करके चीनी डलाई, अब जब खीर भोजन बनी तो यानी कि हम बनाओ तो नहीं। हम इन पत्रकारों को जो कलाकार दे देगा इंटरव्यू, स्पष्ट मैं बोल दे रहा हूँ, इन पत्रकारों को अगर जो भी कलाकार इंटरव्यू दिया, उस कलाकार की माँ बहन की इज्जत एक कर कर रख देंगे, क्योंकि किसी कलाकार का जान जाएगा इन पत्रकारों की वजह से, और तुम वहाँ पे अपना पब्लिसिटी बटोरोगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर कलाकार की कीमत उतनी ही है जान की, चाहे आप सुपरस्टार हो, चाहे आप नॉन स्टार हो, चाहे आप स्ट्रगलर हो, चाहे आप सक्सेस की चोटी पर चले गए हो, कोई भी लोग हो, एक छोटा कलाकार ही बड़ा कलाकार बनता है ना जी। क्या बड़ा कलाकार बेटे में से पैदा होता है? चाहे पवन सिंह हो, खेसारी लाल हो, दिनेश लाल हो, मनोज तिवारी, रवि किशन, एवरीवन, कोई भी है, सभी कलाकार जो है वो एक नन्ना सा कलाकार बनकर के पैदा हुए और संघर्ष करते हुए तब ना बड़ा बने। चाहे गीतकार भी कोई भी हो, चाहे विनय बिहारी, मैं मनोज मतल भी, अरुण बिहारी, कोई भी हो गीतकार, आर पंकज, ये सब लोग संघर्ष किए हैं तब वहाँ बने हैं। तो वहाँ जाने के बाद संघर्ष को भुला दीजिएगा, और छोटा छोटा कलाकार लोग रोएगा, और आप लोग बैठ करके चुपचाप मैंने ऊपर फिल्म शूटिंग कीजिएगा, ये नहीं होने वाला है। पत्रकारों की लिस्ट जारी हो रही है, जो तथाकथित जो यूट्यूबर है और पत्रकार अपने आप को बोल रहा है उसकी लिस्ट जारी हो रही है, और उन लोगों की लिस्ट को पूरा बताया जाएगा। एक दिन हम सब लोग आएंगे और लाइव आकर के बताया जाएगा, उसको पोस्ट किया जाएगा कि इतने पत्रकार को अगर किसी लोगों ने अगर दिया इंटरव्यू, नामकरण के साथ, चैनल के साथ, उस चेहरे के साथ, हो सकता है कल होकर के चैनल चेंज कर दे, नाम बदल दे, लेकिन चेहरा नहीं बदलेगा, तो वो चेहरे के साथ में बताया जाएगा इतने पत्रकार को अगर किसी ने इंटरव्यू दिया तो उस कलाकार की माँ बहन की प्रतिष्ठा हम लोग बनवा देंगे बढ़िया से। क्योंकि वो पत्रकार जब चंदन चंचल की माँ बहन की प्रतिष्ठा को हनन कर रहा है, बुलेट राजा की माँ बहन की प्रतिष्ठा को हनन कर रहा है, पीके आर्यन की माँ बहन की प्रतिष्ठा का हनन कर रहा है, और सभी कलाकारों की माँ बहन की प्रतिष्ठा का हनन कर रहा है, और आप उससे इंटरव्यू दीजिएगा, आप उसका इंटरव्यू मैंने दीजिएगा, तो फिर तो गलत बात है ना। ये तो गलत बात है। इसका मतलब कि आप लोग मन बढ़वा करके छोटे कलाकारों को आप लोग टॉर्चर करवा रहे हैं, ये तो फिर यही कहा जाएगा ना। तो उन कलाकारों पर भी ये नियम लागू होगा कि आप वैसे पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। जो कि देखिए इंडस्ट्री से बहुत बड़ी खबर है, संतोष रेणु यादव जी ने वैसे पत्रकारों का लिस्ट जारी करके और सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट करेंगे कि वैसे पत्रकार को इंटरव्यू ना दें। और खैर ऐसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो कि भोजपुरी का ही न्यूज बनाते हैं, उन पर भी आज उंगली उठने लगी है, क्यों? देखिए होता है क्या कि गेहूं के साथ, जौ के साथ, वही गेहूं जौ के साथ घून भी पिसा जाता है, वही चीज़ें हैं। इंडस्ट्री में पत्रकार नहीं है जी, आप भी तो पत्रकार हैं, आप कभी किसी को टॉर्चर किए हैं? पत्रकार कभी किए हैं और ना करें, क्योंकि मैं भोजपुरी से ही 2 रुपये कमाता हूं और भोजपुरी से ही मैं आगे बढ़ा हूं और दर्शक हमें आगे बढ़ाए, वही हम करें। आप बताइए, चौकस भारत है विवेक जी का, मेहदी न्यूज मुन्ना जी का, क्या बोलते हैं नीजू जी का जो है भोजपुरी गॉसिप है, गॉसिप है, अंकित जी का मनचाहा न्यूज है, क्या ये लोग पत्रकार नहीं हैं? हैं, ये सब पत्रकार नहीं हैं? ये सब को नहीं पत्रकारिता करने आता है? ज़्यादा ये लोग जो हुर हुर कर मैकवा है पूछता, मारे हाथ मुंह में हम चौपट कर देंगे, हम चौड़ा कर देंगे मुँह में, तो नहीं सब के पत्रकारिता है फुलट, तो नहीं सब बनाते हैं पत्रकार, देख ले पंजाबा मारेंगे ना तो समूचे एकदम पंजा छाप उतर जाएगा मुँह में पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।